चुनाव पूरी तरह से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सुधाकर सिंह के पूरा का पूरा पक्ष में है। यहाँ की जनता ने मन बना लिया है कम से कम 1,00,000 से जिताने का। आज रैली की गई है, जनसभा की गई है आदित्यनाथ योगी जी की, और उन्होंने कहा है कि जब सपा की सरकार थी तो माफियाओं का बोलबाला था। देखिए, सबके सब जितने भी गुंडे माफिया और दंगाई भारतीय जनता पार्टी में, अच्छा वो 2000 सत्ता में हैं, जितने भी दंगाई हैं यही गुंडे ही करते हैं। 2005 तो ये दंगाई भारतीय जनता पार्टी के लोग थे। मैं भी सत्ता में रहा, मुझे पता है कि भारतीय जनता पार्टी के ही लोग आज जो सत्ता में बैठे हैं वो ही दंगा कराते थे। योगी की रैली को कैसे देखते हैं? देखिए, ये तो किराए की भीड़ थी, आसपास के बाहरी सब लिए गए थे, सभी बस में किराया खाना पैसे से लेकर सब इंतजाम किया था। हम प्रकाश कह रहे थे कि ये सबसे बड़ी मतलब हम लोग की भीड़ थी, घोसी की लोकल जनता थी जो भी। देखिए, उन्हें कहा कोई भरोसा है, कब क्या किसके लिए बोलने लगे, ये तो जानते ही है, पूरा प्रदेश जानता है उनके बारे में, पूरा प्रदेश। देखिए, अभी तक तो यहाँ का डेरा डाले थे सब मंत्री और डिप्टी चीफ मिनिस्टर दोनों के दोनों, और कहीं कहीं झूठे वादे, और झूठे वादों के अलावा पैसे बांटना और अधिकारियों को निर्देश देना कि झूठे मुकदमे लिखो, समाजवादी पार्टी के लोगों को, सुधाकर के लोगों को बंद करो, ये निर्देश थे इनके। अगर ऐसे सिचुएशन आते हैं तो क्या रणनीति होगी आपकी? देखिए, हमारे समाजवादी और यहाँ की जनता, यहाँ की जनता ने मन बना लिया है, और जनता यहाँ की मुकाबला भी करेगी और वोट डालेगी, और हम लोग आचार संहिता का सबका पालन करते हुए मुकाबला करेंगे। भानु भानु